तो गुड मॉर्निंग, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज का ये ब्लॉग, अभी मैं सिंधी के बस स्टैंड पे हूँ। ये आप देखें बसों की चहल पहल, और ये जैसे ये बस जा रही है, ये सिंधी के बस स्टैंड के अंदर जा रही है। सामने आपकी स्क्रीन पे सिंधी के मेट्रो है। ये मेन बस स्टैंड सिंधी कैंप का बाहर का व्यू, और ये बसें निकलती हुई यहाँ से, और ये सामने का व्यू, ये बस स्टैंड के पूरा सामने से, और ये सामने सिंधी कैंप मेट्रो का। और ये सिंधी कैंप के बाहर दरगाह, हजरत सैयद जलाल शाह की दरगाह, बिल्कुल ये सिंधी कैंप के बाहर ही। और ये यहाँ का पूरा आगे का व्यू है। और ये ऊपर मेट्रो, और नीचे ये बसें चलती हुई। तो आइए आज के इस वीडियो में हम सिटी तक जाएंगे, पुरानी सिटी तक, और देखेंगे पूरा वीडियो। आप बने रहें, मज़ा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। और ये यहाँ पर संत सुंदरदास सत्संग भवन है, और इसी रास्ते में हमें आगे निकलना है। ये वन वे है, जाने जाने के आने का इसमें नहीं है। आइए आगे चलते हैं। और ये अंदर आते ही इंदिरा गांधी भवन, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय। और ये झंडे लगे हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। और ये कांग्रेस कार्यालय से आगे आते ही यहाँ पर ये पूरा ट्रांसपोर्ट नगर, ये ट्रांसपोर्ट के ऑफिस यहाँ पर। और ये सामने जालुपुरा का एरिया, और सामने श्री खंडेलवाल बालिका विद्यालय माध्यमिक विद्यालय है। और ये सब ट्रांसपोर्ट के ऑफिस। आइए और आगे चलते हैं। और ये यहाँ सामने चांदपोल मेट्रो की बिल्डिंग, चांदपोल का एरिया पूरा। और यदि सामने देखें तो ये यहाँ पर जो करके आपको दिखाता हूँ, चांदपोल अनाज मंडी है, और कार पार्किंग है अंदर, ये पूरा एरिया। आइए और आगे चलते हैं। और ये पूरा चांदपोल का एरिया, सामने ये मस्जिद है, बड़ा सा मीनार दिखाई दे रहा है, मंदिर मस्जिद। ये चांदपोल का पूरा व्यू, ये चांदपोल के सामने से। आइए और आगे चलते हैं। ये चांदपोल गेट का एरिया बाहर की साइड से। आइए गेट से अंदर चलते हैं, पुरानी सिटी के अंदर। ये गेट से अंदर आते ही चांदपोल बाजार का व्यू। ये आप देखेंगे इन दुकानों के बाहर सबके दुकान के नंबर लगे हुए हैं, 38, 39, 40, 41। ये सब दुकान नंबर वाइज दुकानें हैं। ऐसे ही उधर सामने भी है, सामने से मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो जैसे आप देखें ये 423 है, 424 है, 425 है, ऐसे ये पूरी दुकान है। ये होटल है यहाँ पर, और ये पूरा व्यू है। ट्रैफिक चल रहा है अंदर, दो ट्रैक जाने का इधर है, दो ट्रैक उधर वापस आने का है। ये यहाँ पर साइकिल के लिए, पार्किंग के लिए पूरा स्पेस। तो ये अंदर का व्यू है। आइए और आगे चलते हैं। ये यहाँ पर बगरू वालों का रास्ता, चांदपोल बाज़ार के अंदर ही, और सामने कल्याण जी का रास्ता है।
इसी बगरू वाले के रास्ते में अंदर चलते हैं, आपको अंदर चल के दिखाता हूँ आज मैं। ये बगरू वालों के रास्ते में अंदर आने के बाद में सामने चांद पोल का व्यू और ये दुकानें यहाँ पर, और ये अंदर भी फिर छोटी छोटी गलियाँ, और ये अंदर सीधा बगरू वालों का रास्ता। आइए और आगे अंदर चलते हैं, और ये यहाँ पर अंदर आते ही मंदिर है, और ये पूरा व्यू है आगे। और ये थोड़ा सा अंदर आते ही ताजिया, जो कल निकलने वाला है ताजिया, ये ताजिया रेडी है अभी, पूरा तो रेडी नहीं है, ये दो तीन पार्ट में है, तो कुछ हिस्सा यहाँ रखा है। ये ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा, ये ऊपर का हिस्सा है, नीचे का हिस्सा अभी जोड़ा नहीं है, शाम को जोड़ेंगे। ये बच्चे इसकी रुखाड़ी के लिए बैठे, और ये यहाँ पर भाई साहब हैं, बात उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताएं? मेरा नाम अताउल्ला है। अताउल्ला जी, जी जी। तो ये ताजिया जो है आधा मतलब और अंदर रखा है, वो शाम को जोड़ोगे? अच्छा अच्छा, और फिर कल निकालेंगे इसको? तो कल मतलब कितने बजे? शाम को भी निकालेंगे, रात को, आज रात को, रात को बड़ी चौपड़ पर जा करके वापस आ जाएंगे। अच्छा, आज आज रात को बड़ी चौपड़ तक जाके वापस आएंगे, यहीं आ जाएंगे वापस? अच्छा, फिर कल दिन में 1-2 बजे यहाँ से रवाना होके चौपड़ होते हुए सुभाष चौक होते हुए रामगढ़ मोड़ पे करबला है, करबला के अंदर दफन करेंगे। करबला तक लेके जाओगे, करबला में दफन करेंगे? ये कल कल मतलब ये होगा, कल सुबह निकलेंगे? कल दोपहर में, कल दोपहर में, और शाम तक वहाँ पहुँचेंगे। तो ये ताजिया, और ताजिया की पूरी हिस्ट्री आपको बताई, यहाँ से ये रवाना होकर करबला में जाएगा और वहाँ जाके दफन किया जाएगा, और ये पूरा व्यू है। आइए और आगे चलते हैं, और ये यहाँ पर नोबल स्कूल, और ये आगे का व्यू, बड़के बालाजी, और ये श्री शनिदेव मंदिर, बगरू वाला का रास्ता चांदपुर, और ये आगे का पूरा व्यू। इसी में आप आगे देखेंगे तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर जो राजा का किला बना हुआ है वो दिखता है। आइए और आगे चलते हैं, और ये यहाँ पर शिव चाट भंडार, गोल गप्पे, ये यहाँ पर चौक आ गया, पटवारियों का रास्ता इधर, बगरू वालों का रास्ता। आइए और आगे चलते हैं, और ये यहाँ पर जोबनेर छिपों का चौक, ये पुराने पुराने घर यहाँ पर, यहाँ का व्यू है, काफी पुराने पुराने घर है, ये देखिए यहाँ पर। आइए और आगे चलते हैं, और ये यहाँ पर बड़ा पीपल का पेड़, और ये नीचे मंदिर, और ये यहाँ पर एक और रास्ता आ गया, पुरानी बस्ती का चौक है ये, और पुरानी बस्ती है यहाँ पर ये, और ये आप देखिए सामने पुराने मकान यहाँ पर, बगवाड़ा हाउस, काफ़ी पुराना। ये देखिए, ये पुराना जो ज़माने के जो घर बनते थे उसमें जो दरवाजे और जो लकड़ी के बने होते थे वो ही है, पर यहाँ पर देखने को मिलता है, बहुत पुराना मकान है ये। और ये सामने देखिए, ये कितना पुराना होगा, जयपुर जब बसा है उसी टाइम का होगा ये, काफ़ी पुराने पुराने मकान यहाँ पर हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, बगरू वालों के रास्ता में हमने पुरानी बस्ती तक ये वीडियो आपको दिखाया। कैसा लगा अपना कमेंट ज़रूर करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।